एनपीए के थ्रू आपके घर पे आएंगे तो आप, अरे एनपीए कर दो, कुड़की कर दो, एनपीए कर दो, कुछ कर दो, ठीक है। एनपीए का मतलब आपको पता है? हमें सब पता है, हमें आरबीआई रूल सब पढ़ रखा है, सब पता है। नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट होता है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? संतोष कुमार जी। हाँ कौन? संतोष कुमार, दिल्ली गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जॉब कर रहे हैं? नहीं, वहाँ जॉब छोड़ दिया। बताओ। अच्छा, आपने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। आप कौन? अपना होम एड्रेस कन्फर्म कराएंगे, हाउस नंबर 32 टाइप 3 नियर अमूसिया एयरपोर्ट का। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? किसी एड्रेस पर रह रहे हैं? हेलो, आप, मैंने तो आपको एड्रेस बताया, आप उसी एड्रेस पर रह रहे हैं अभी? पहले आप बताओ आप हो कौन? मैं फील्ड एजेंट बात कर रहा हूँ रोहित। मैं अच्छे से, कच्चे दिनों से आप एम पॉकेट का पेमेंट नहीं कर रहे ना, 13,565 रुपए का। किसका? एम पॉकेट का। अच्छा, बताओ एम पॉकेट तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा अच्छे से, कच्चे दिनों से? 13,565 रुपए का अमाउंट है, आपकी वहाँ सैलरी 74,000 थी। अरे उस समय थी ना, अभी तो घर पे बैठा हूँ तभी तो नहीं कर रहा हूँ। उस समय के बाद में आपने सेविंग्स नहीं की क्या? ना तो कुछ नहीं है, सेविंग कर लिया अच्छे से 31 दिनों से अपना। अरे अब सिविल क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊँ सिविल बना के? अब डाउन हो रहा तो मैं क्या करूँ? आप एनपीए में जाना चाहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में? हाँ हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब पेमेंट ही नहीं। डाउन कर दे आपका? हाँ हाँ, कर दो आप। ओके, तो आप यही चाहते तो ओके, मैं यहाँ से रेफरेंस कॉलिंग एक्टिव करके अभी आपके सारे रेफरेंस बताता हूँ या कुछ? हाँ, रेफरेंस में बता के उसके बाद मेरे पास कॉल मत करना, उन्हीं से ले लेना, ठीक है? तो आपके पास भी आएगा, मेरे पास जो आएगा, मेरे पास जो आएगा गाली सुनेगा। अगर रेफरेंस में कॉल जाएगा मेरे पास आएगा तो गाली सुनेगा जो करेगा, ठीक है? जाओ कर दो। नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, रेफरेंस को कॉल जाएंगे। हाँ तो कह तो रहा हूँ करो रिफरेंस। कोई 13,00,000 नहीं तो आप पे नहीं कर पा रहे। अरे सुन लो, दो रिफरेंस है, दो के अलावा तीसरे के पास गया तो मैं फाड़ दूंगा, ये ध्यान रखना। यहाँ जितने रिफरेंस नंबर है ना सभी के पास कॉल जाएगा। हाँ तो करो कॉल, करो उन्हीं से लेना, मेरे पास जो करेगा गाली सुनेगा। मेरे पास जो कर रहे हैं आप, अभी नहीं हो पाएगा ना? तो क्यों नहीं हो पाएगा? अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अभी टाइम लगेगा करीब करीब 2 महीना। अच्छा 2 महीने, ये 6 से 31 दिन आपको कम लग रहे हैं? अरे तो भैया जब जॉब नहीं है तो क्या करें? जॉब जब आपकी 74,000 की सैलरी थी तब आप क्या कर रहे थे? अरे तो जब थे, जैसे ही मैंने वो लिया उसके बाद मेरी जॉब चली गई। क्या कर रहे थे तब? क्या 2 साल से आपने क्या घर के खर्च नहीं चला रहे हैं? अरे कुछ नहीं चल रहा भाई, इस समय गुरुद्वारे में खाना खा रहा हूँ। गुरुद्वारे का खाना खा रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप ईयर में कर रहे हैं? टू व्हीलर आप अरे ईयर में कर रहे हैं? टू व्हीलर में यहाँ पेट्रोल कहाँ से डलवा रहे हैं टू व्हीलर में? अरे मेरे पास कुछ नहीं भैया, टू व्हीलर एमसीडी वाले उठा ले गए, म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले। मेरी 28 साल पुरानी बाइक थी। कितना था आपका, क्या था? 28 साल पुरानी मेरी बाइक थी, वो म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले उठा ले गए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो हमारी क्या गलती, तो मेरी क्या गलती है? अभी तो ऐसी हालत हो रखी है, डेली 9, 9:30 बजे जाता हूँ गुरुद्वारे में, थोड़ा सेवा करता हूँ, फिर दोपहर में खाना होता है, फिर थोड़े बच्चों के लिए खाना ले आता हूँ। क्या करूँ, अभी मजबूरी है। गुरुद्वारे में खाना खाने जाते हैं, ये जो आपके एक्सपेंसिव पहले खर्च थे ना, मंथली कैश फ्लो के अनुसार 74,000 आपकी इनकम थी। हाँ, आप ऐसे तो कर नहीं रहे होंगे जो आप बता रहे हैं कि मैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। कोई एग्री नहीं इस बात को, फिर आप नहीं मानोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, किसी को जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकता। जिस व्यक्ति की 74,000 सैलरी और वो आप गुरुद्वारे से खाना मांग के, और 74 से नीचे आ जाए तो फिर क्या करे, 0 पे आ जाए तो? 74 से 0 पे कैसे आ सकता, जब 74,000 सैलरी थी, इंटरनेशनल जॉब कर रहे थे एयरपोर्ट। अरे तो जॉब कर रहे थे, मैंने मार दिया था जीएम को, इसलिए मुझे निकाल दिया गया।
तो जनरल मैनेजर को आपने मार दिया था, इसलिए हाँ मेरी उससे कुछ टसन हो गई थी, कहीं और जॉब नहीं मिली, कहीं और जॉब। अरे वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे लायक मिल नहीं रही है। अच्छा, मतलब आपको लाइक की भी चाहिए, आपके मतलब खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप लाइक की जॉब कर रहे हैं। तो आप ऐसी जॉब नहीं कर सकते ना, उससे बढ़िया हमने कहा गुरुद्वारे में क्या करना है, जाना है, थोड़ी सेवा करनी है, खिलाना उलाना है, खाना खाना है, चले आना। तो मुझे मतलब आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, घर पे टीम भेजना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, टीम भेज देना, बढ़िया तेल मालिश करा के, ठीक है? तेल मालिश करा के नहीं भेजेंगे आपके, आप तेल मालिश करा के रखिएगा, पेमेंट रखिएगा। एक बार आप भेज तो दो, वो तो आ ही रही है। हाँ हाँ हाँ, एकदम भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, हाउस नंबर 32 टाइप 3 नियर अमसवाई रिवर कोर्ट कॉलोनी। हाँ यही भेज दो आप, इसी एड्रेस में भेज दे। हाँ यही भेज दो। तो करंट का एड्रेस तो आपका RZF 21 प्लान कॉलोनी, पालम कॉलोनी, राजनगर, न्यू दिल्ली, यहाँ का एड्रेस है आपका करंट का। यहाँ भी भेज दो, यहाँ तो रहता नहीं लेकिन यहाँ भेज दो, परमानेंट एड्रेस पे तो रहता भी हूँ लेकिन यहाँ तो छोड़ दिया ना जॉब जाने के बाद। अच्छा, परमानेंट पे रह रहे हैं, करंट एड्रेस पे छोड़ दिया है। हाँ, आप वहाँ भेज दो, एयरपोर्ट कॉलोनी, और बंदे भेजना कम से कम 10 से 15 या 50। नहीं इतने, तुमसे तो 15 लोग ही निपट लेंगे, 50 बंदे तो। हाँ बस 15 भेज देना, 15 का एक घंटे बाद उनका वो पूछ लेना आप, ठीक है? क्या पूछ लेना? अरे हाल चाल पूछ लेना। अच्छा, मिस्टर संतोष कुमार। हाँ, हाल चाल पूछ लेना। मतलब जब लीगल एक्शन के लिए जब वो अपना एक आपका रिकवरी एनवेलप लेके आएंगे ना। नहीं, लीगल एक्शन से मेरे को डर नहीं लगता, ऑलरेडी मेरे ऊपर 25 केस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीगल करो। बेटा एम पॉकेट की तरह एक भी केस नहीं चल रहा होगा ना, मेरा 25 केस चल रहा है कोर्ट में। एम पॉकेट के जैसा एक भी केस नहीं चल रहा होगा। एम पॉकेट क्या है, आदित्य बिरला का भी लोन था उसका भी नहीं दिया, ICICI का था उसका भी नहीं दिया, बजाज का था उसका भी नहीं दिया, ना तो वो लीगल कर पाए और लीगल जो किया है वो कोर्ट में है, और जबरदस्ती तो किसी की औकात नहीं है, जो आया है वो अपने मतलब हिसाब किताब में ही गया वापस, और किस तरह गया वो वही जानता है। बाकी आप भेज दो, ठीक है? बाकी आप टीम से ही बात कीजिएगा, मैं टीम। हाँ हाँ, आप टीम भेज दीजिए, आप टीम भेज दीजिए, 10-15 बंदे भेज दीजिए तेल वेल लगा के। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बात कर लीजिएगा टीम को, आपके घर के लिए फॉरवर्ड कर रहा हूं। हाँ फॉरवर्ड कर दो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, कह रहे हैं वो सारी बातें टीम से कीजिएगा। हाँ हाँ, सारी बातें मैं टीम से करूंगा, भेज दो आप। टीम आपके साथ जो कोऑर्डिनेट करे आप। अरे वो जैसा कोऑर्डिनेट करेगा वैसा मैं उससे खतरनाक कोऑर्डिनेट करूंगा, आप भेज दो। वो तो आप बात कर लेना। हाँ आप भेज दो, जो भी बात होगा वो घर पे आके होगा। अरे ठीक है बॉस, आप भेजो तो, जो भी बात होगी ना वो ऑफिस एड्रेस और घर पे आके होगी। हाँ हाँ, ऑफिस एड्रेस पे जाके उनसे बात कर लेना, और घर पे आना तो मेरे से बात करना। आपकी रेपुटेशन आपके हाथ। अरे मेरी रेपुटेशन, जब पैसे ही नहीं जेब में तो रेपुटेशन लेके क्या गाड़ के अंदर डालूंगा। पैसे तो रेपुटेशन होती है। अरे रेपुटेशन मेरी खराब हो रखी है तो मैं उसको क्या सूत्रों में लूंगा क्या? पैसों से रेपुटेशन होती है किसी की क्या? गरीब व्यक्ति की भी अपनी इज्जत होती है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, जो आता है वही चार बात सुनाता है, चार बात सुनता है, क्या करूं मैं? अच्छा, चार बात सुना के चला जाता है। हाँ तो सुनता भी है जो जिस तरह जिस सुनाता होगा बस आपको। अरे सुनाता क्या है, आपको पता ही नहीं है क्या करते हैं उसका। कुछ नहीं कर पाएंगे आप मेरी साथ। अरे तो आप भेजिए तो, प्लीज आप फॉरवर्ड करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, कितनी देर में आ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कह रहे हैं टीम भेजिए, टीम आएगी ना तो एक्स्ट्रा अमाउंट मांगेगी, मुझसे मत कहिए कि एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है। 5 एक्स्ट्रा, वो मूलधन नहीं ले पाएगी, एक्स्ट्रा कहाँ से ले लेगी? 13,500-18,000 का अमाउंट रेडी रखिएगा। 13,500-18,000 और उनको मैं दे दूंगा 18 पैसे, भेज दो आप। वो 18,000 का अमाउंट लिए बिना नहीं जाएंगे। अरे वो जाएंगे कैसे जाएंगे, वो मुझे भेजना है ना वापस। जो भी घर पे एक्सपेंसिव सामान होगा वो लेके जाएंगे उसमें। अरे घर का सामान, वो दरवाजे पे पहले 5 सेकंड खड़े नहीं हो पाएंगे। ये आप ऑन कॉल रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये सारी बात रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, आप भेजो। एनपीए के थ्रू आपके घर पे आएंगे तो आप। अरे एनपीए कर दो, कुड़की कर दो, एनपीए कर दो, कुछ कर दो, ठीक है? एनपीए का मतलब आपको पता है? हमें सब पता है, हमें RBI रूल सब पढ़ रखा है, सब पता है। क्या है एनपीए का? नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट होता है, ठीक है? कब
हमें मत सिखाओ, हमें आरबीआई का रूल पता है। और दूसरी चीज ये याद रखना, ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड लेके आएंगे, नहीं तो उससे पहले ही बात करने से पहले ही मैं छील लूंगा उनको। वो तो आएंगे, सारी चीजें ही लेके आएंगे, बात करते करने से पहले ही छील लूंगा उनको मैं, अगर ये दो चीज पहले मांगते मेरे को नहीं मिला तो। सारी चीजें ही लेके आएंगे। हाँ, सारी चीजें आप लेके आओ, ठीक है? ओके, लेके आएंगे वो। चलो ओके, ये टेंशन आप मत करिए। ना ना, हम कोई टेंशन नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप भेजिए। कितनी देर में आ जाएंगे, कितनी देर में आ जाएंगे? बस 10 मिनट रुकिए, आपके पास मेल मैसेज आ जाएगा या तो। अरे मैसेज नहीं लेना है, कितनी देर में आएंगे वो? टीम का मैसेज आएगा, टीम का। अच्छा, लोकेशन मांगेगी, आप उनको लोकेशन सेंड कर दीजिए। हाँ 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 हाँ, लोकेशन सेंड कर देंगे, या तो आप अपना लोकेशन भेज देते तो मैं वहीं आके मिल लेता एजेंसी में ही। एजेंसी को अपना लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, एजेंसी। हाँ ठीक 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 ठीक, वो प्राइवेट एजेंसी है हमारी, कोई गवर्नमेंट की। ठीक है, प्राइवेट वाले एजेंसी वालों को तो मैं ढूंढता हूँ, ठीक है, आप भेज दो। बिल्कुल प्राइवेट ओके एजेंसी है वो हमारी। ओके ओके, बिना पैसे लिए नहीं आएगी। अरे वो कुछ लिए, वो कुछ लेके जा ही नहीं पाएंगे। जो मैं पैसे की तो बात ही छोड़ो आप, जो मैं अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ वो कोई एजेंसी। अरे आप, मैंने आपको एक बार एक शब्द बोला था, 2 महीने बाद होगा, आप नहीं माने, रिकवरी भेजोगे, पुलिस लेके आओगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी ना रिकवरी कुछ कर पाएगा, बस इतना बता दिया। ये सब कहने में अच्छा लगता है, तो आपका भी जो कह रहे हो ना कि डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो वो भी कहने में ही अच्छा लगता है। तो डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, ऑन कॉल डिस्काउंट कर, तो अभी है नहीं ना मेरे पास, अभी है ही नहीं, तो कहाँ से करूँ? जब होगा तब करूंगा, 2 महीने बाद। अरेंज भी तो कर सकते हैं। अरेंज हम किससे मांगे, अभी इस समय जॉब जाने के बाद 2 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ, कौन देगा? आप दे दो मेरी जगह, मैं दे दूंगा आपको, नंबर सेव है आपका। 2 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं ये तो आप ऐसा लग रहा है बिना सिर हाथ सिर वाली बात कर रहे हैं आप मेरा दे दो, मैं आपको दे दूंगा। बिना हाथ पैर और बिना सिर वाली बात कर रहे हैं कि 2 साल से जॉब? अरे मेरे हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, सिर भी नहीं है, खाली धड़ा धड़ा रह गया है। कोई लॉजिक वाली तो बात कीजिए मुझे। अरे लॉजिक आपको बता तो दिया, आउट लॉजिक की बात कर रहे हैं, लॉजिक आपको बता तो दिया, अब कैसे लॉजिक बताओ कर रहे हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे आपको? अरे मैं अभी नवाज पढ़ रहा हूँ, नवाज, क्योंकि अभी मस्जिद आया हूँ, सोचा 2 रोटी यहाँ से भी ले लूँ। संतोष कुमार जी भी मतलब आप जो कह रहे हैं कि मतलब आप पुअर हो गए हो बिल्कुल। भैया इस समय माइंडली डिस्टर्ब बहुत चल रहा हूँ, और इतना अंदर से जला हुआ हूँ ना, मेरी बात सुनो, इतना अंदर से जला हुआ हूँ। वो तो होंगे 36 दिन ऑलरेडी जो हुए। हाँ वही कह रहा हूँ, इतना अंदर से जला हुआ हूँ, मैं तो एजेंसी वालों को ढूंढ रहा हूँ, चाहे आदित्य बिरला का, चाहे आईसीआई का, चाहे किसी का हो, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ। ना कोई लाइव लोकेशन, ना कोई लाइव लोकेशन देता है, ना जब मैं लाइव लोकेशन भेजता हूँ तो कोई आता है। एक बार भेज दो उनको, एक बार उनसे जरा मिल ले। हम मेल कर रहा हूँ मैं अभी, 10 मिनट तो रुकिए आपके पास। हाँ चलो ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेल कर दो उनको, भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ओके।